हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इतिहास यानी हिस्ट्री का चैप्टर 4 बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ क्लास के लास्ट तक बने रहना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है और जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आपको सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में मेरे साथ आंसर बताते चलना है कौन सा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? जी हाँ, जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे वो किसकी पूजा करते थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जी हाँ, यानी प्रकृति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेगा कौन सा करेक्ट होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्रीन पर आ चुका है? उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? जी हाँ, तो उत्तर वैदिक काल जो थे उसके अंत किसकी पूजा होने लगी थी, यानी ब्राह्मण, विष्णु, महेश या गायत्री या लक्ष्मी या पार्वती। तो मैं 2 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जी यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होने लगी थी। चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोग इसी तरह यानी सारे क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेंगे मुझे। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी? जी हाँ, तो किनकी अहम भूमिका थी सांची स्तूप को संरक्षित रखने में? एच कौल है या शाहजहाँ बेगम है या सुल्तान जहाँ बेगम या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका 3 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी की भूमिका थी। चलिए इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जी हाँ, जो सांची है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, यानी विदिशा, रायसेन, सागर या भोपाल? तो यहाँ पे 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जी हाँ, यानी रायसेन में स्थित है। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? जी हाँ, तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे निम्न में से, यानी आनंद एवं उपाली या कश्यप या सारिपुत्र एवं गौद्रलायन या इनमें से सभी? तो यहाँ पे 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? जी हाँ, तो किस शासक के काल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी अजातशत्रु, कनिष्क या अशोक या काला शोक? जी हाँ, तो फिर 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कनिष्क के काल में हुई थी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? जी हाँ, तो किस धर्म में है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जी हाँ, यानी जैन धर्म में है। चलिए और आप लोग इसी तरह सारे बच्चे यानी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेंगे जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, नाथ मुनि का संबंध है? जी हाँ, तो नाथ मुनि का संबंध किससे है, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? जब 8 का जो आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी वैष्णव धर्म हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? जी हाँ, तो ये सारे किस धर्म के अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जी हाँ, यानी शैव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? जी हाँ, तो इन लोगों का धर्म यानी जो संबंध है वो किस धर्म से है, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव मत या वैष्णव मत? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी शैव मत से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? जी हाँ, तो कौन से संप्रदाय का उल्लेख है, यानी कश्मीर शैव या लिंगायत या कपालिक या पशुपत? तो भाई 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जी हाँ, यानी कपालिक हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, बाणभट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? जी हाँ, तो कौन से संप्रदाय का उल्लेख किया है बाणभट्ट ने वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, यानी कश्मीर शैव या लिंगायत या कपालिक या पशुपत? तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जी हाँ, यानी पशुपत हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, महात्मा यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जी हाँ, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, लुम्बनी, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी बोधगया में प्राप्ति हुई थी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14
क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जी हाँ, तो किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध, शैव या जैन धर्म? तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी जैन धर्म हो जाएगा। और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी से यानी बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आपको हर हाल में लास्ट तक बने रहना है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों में, और जो स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? जी हाँ, तो कौन है जनक? कबीर है, गुरु नानक है, बास बन्ना है या क्राइकल है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बास बन्ना हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, बौद्ध परंपरा में अशोक ने किसने स्तूप बनवाए? जी हाँ, तो किसने स्तूप बनवाए थे अशोक ने, यानी 100 या 50,000 या 64,000 या 84,000? तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 84,000 स्तूप बनवाए थे। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, हीन यानी पुस्तक है किस भाषा में है? जी हाँ, तो किस भाषा में है हीन यानी पुस्तक है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या बौद्ध? 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पाली भाषा में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, धर्म ग्रंथ सुत्पीटक किस धर्म से, किस धर्म के संबंधित है? जी हाँ, तो कौन से धर्म से संबंधित है, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या शैव धर्म? 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, तो उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल? तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिद्धार्थ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी राजगीर है, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या वैशाली? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 21 में, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? जी हाँ, तो कहाँ है जन्म स्थान उनका? नानंदा, पावापुरी, बोधगया या कपिलवस्तु? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कपिलवस्तु हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जी हाँ, तो 24वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के, यानी ऋणभदेव या आदिनाथ या पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो किस शासक के काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, यानी अजातशत्रु या कालाशोक या अशोक या कनिष्क? तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन 24 में, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जी हाँ, तो कहाँ पे स्थित था, यानी वल्लभी, पाटलिपुत्र या सांची या नालंदा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, नहीं, नालंदा में स्थित था, जी हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्या है 25 में, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? जी हाँ, तो किससे संबंधित है, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से या शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्या है 26 में, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, तो कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? तो मैं 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्या 27 में, स्तूप संबंधित है? जी हाँ, तो किस धर्म से संबंधित है, जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? तो मैं 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा सारे बच्चे। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रिय का विवाह किससे हुआ? जी हाँ, तो अनुज्ञा प्रिय था किससे हुआ था, यानी आनंद या उपाली या इनमें से कोई नहीं। तो ये 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29 में, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? जी हाँ, तो कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था, यानी अहिंसा, ब्रह्मचर्य या सत्य या अपरिग्रह? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्रह्मचर्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, पुराणों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 16, 18, 19 या 20? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा 30 का। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? जी हाँ, तो बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ था, सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका या जापान? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन में प्रचलित यानी प्रचारित नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है 32 में,
महावीर का जन्म हुआ था, जो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बनी में, पावा में, कुंडल वन वैशाली में या सारनाथ में? तो यह राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी है नहीं, कुंडल वन वैशाली में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेंगे। क्या 33 में, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? जी हाँ, धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक या कनिष्क? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अशोक ने शुरू की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्या 34 में, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो किस शासक के काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? अशोक, काला अशोक या अजातशत्रु या कनिष्क? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं, कनिष्क के काल में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 35 देख लेंगे। क्या है, वेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्या है 36 में, बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित की रचना किसने की, कालिदास या अश्वघोष या बाणभट्ट या चाणक्य? तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी अश्वघोष ने की थी। चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग का जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आप कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, वहां से आपको अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना है। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।